रिक्शा चालक ने आत्मदाह की कोशिश, केरोसिन तेल डालकर आत्मदाह की कोशिश। रिक्शा चालक की तरफ से आसपास मौजूद लोगों ने चालक को रोका है, आंदोलन की राह पर है दून के ई रिक्शा चालक। मुख्य मार्गों पर ई रिक्शा प्रतिबंधित करने से नाराज है, परेड ग्राउंड पर धरना जो है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको देहरादून से हम दे रहे हैं। आपको बता दें कि ई रिक्शा चालक की तरफ से आत्मदाह की यहाँ पर कोशिश की गई, वहां मौजूद बाकी चालकों की तरफ से उसको रोका गया। संवाददाता सौरभ भाटिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, देहरादून के मुख्य मार्गों पर ई रिक्शा संचालन की मांग को लेकर लगातार नाराजगी जो है जाहिर किया, और इस दौरान एक ई रिक्शा चालक की तरफ से आत्मदाह की भी कोशिश की गई। देखिए, पिछले 15 दिनों से इनका आंदोलन जारी है और लगातार ये सरकार से मांग करते आ रहे हैं कि ई रिक्शा का संचालन बदस्तूर चलता रहे, जिससे ये लोग अपनी किस्तों को जो है भुगतान कर सके। इनके द्वारा बैंक से लोन लेकर जो है ई रिक्शा लिया गया है, लेकिन अभी तक जो है बैंक की किस्तें नहीं जा रही, जिससे खफा होकर ये आंदोलन पर है। और आंदोलन के दौरान पहले जो एक ई रिक्शा चालक ने अपने रिक्शा को आग लगाई थी, और कल जी एक व्यक्ति ने खुद के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं ये लोग खासे खफा हैं, नाराज हैं, और लगातार सरकार के स्तर पर मांग भी करते आ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार इन लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ई रिक्शा का संचालन सरकार को जो है उन मार्गों पर भी खोलना चाहिए, जिससे जो है इनका ये कुछ कमाई कर सके, और जिसके बाद जो है बैंकों का भुगतान भी कर सके। जी आशमा, तो लगातार कहीं ना कहीं तनाव का माहौल जो है वो ई रिक्शा चालकों में देखने को मिल रहा है, और जिस तरह से आत्मदाह की कोशिश ई रिक्शा चालक की तरह से की गई है, एक अनहोनी जो है वो कहीं ना कहीं हो सकती थी सौरभ, जान भी यहां पर जा सकती थी। तो ऐसे में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी तरफ से अभी तक कोई कोशिश की गई है ई रिक्शा चालकों को मनाने की, समझाने की? देखिए, यहाँ पर एक बड़ा हादसा होते हुए चला है और तमाम जो पुलिस के अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे। कुछ मार्ग जरूर खुले रहे हैं, लेकिन देहरादून के जो मुख्य मार्ग है जहाँ पर जो सबसे ज्यादा जो है रनिंग होता है, लोग जो है सर्विस वगैरह होते हैं, आने जाने का जो सबसे ज्यादा जो कमाई का जरिया होता है, उन मार्गो पर रिक्शा नहीं खोला गया। RTO में जो इनकी बातचीत जरूर हुई, लेकिन कोई सहमति नहीं बनने के चलते अभी भी आंदोलनरत है। हाँ, बात जरूर इनकी अभी भी चल रही है, लेकिन उसका निष्कर्ष क्या निकलता है ये आने वाले वक्त में ही पता लगेगा, क्योंकि लगातार ये लोग आंदोलन। लेकिन फिलहाल अगर सौरभ देखा जाए जो स्थिति बनी हुई है, उससे तो एक साफ बात जो है वो जाहिर हो रही है कि ई रिक्शा चालक जो है पूरी तरह से आर पार की लड़ाई के मूड में इस वक्त। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि पिछले 15 दिनों से आंदोलन चल रहा है और ऐसा नहीं है कि जो सरकार के स्तर पर वार्ता नहीं, वार्ता जरूर हो रही है, लेकिन निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। आश्वासन जरूर मिलते हैं, लेकिन उन आश्वासनों पर अगर कार्रवाई होती तो शायद इस तरीके के आंदोलन नहीं होते, इतनी बड़ी जो है घटना नहीं हो पाती जो कल जिस तरीके से होते बची है। लगातार जो है सरकार के और प्रशासन के अधिकारियों को भी ये संज्ञान लेने की जरूरत है, जिससे इतने लंबे चलने वाले आंदोलन जो आर पार की लड़ाई लड़ने तक की बात सामने आ जाती है, तो उनको भी जो है सोचने की जरूरत है कि कोई मध्यस्थता करते हुए बीच का रास्ता निकलना चाहिए, जिससे ये आंदोलन समाप्त हो सके। जी आशमा, चलिए सौरभ, फिलहाल शुक्रिया जुड़ने के लिए।